बनाना केस को गैर जरूरी इल्तवा का शिकार करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फुल कोर्ट बनता तो मामला सितंबर तक चला जाता। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें अभी तक नहीं बताया गया किस कानून के तहत फुल कोर्ट बेंच बनाए। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला है, फैसले में ताखीर नहीं कर सकते। हुकूमत का फुल कोर्ट ना बनाने के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने डेप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस की समाअत की। पाकिस्तान का असल मसला सियासतदानों का आवाम के फैसले ना मानना है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। नून लीग में जरा जमहूरियत होती तो पंजाब के इलेक्शन के बाद हमजा इस्तीफा दे देते। दो वोटों के साजिशी वजीर आजम पर भी अदम एतमाद लाना होगी, शेख रशीद का ट्वीट। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने समाजी रावते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा, चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स बेंच करना अफसोसनाक है। दो वोटों के साजिशी वजीर आजम पर भी अदम एतमाद लाना होगी। फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे राणा सनाउल्ला। हमजा शहबाज फरीक नहीं बनेंगे। हमारी ये इस्तदा है कि नजर सानी दरख्वास्त और मुतालिका दरख्वास्तों को यकजा करके सुना जाए, जो MPs डी सीट हुए उनकी दरख्वास्तें भी सुनी जाए। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस, PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 5 अगस्त तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जज अंबर गुल खान ने 18 PTI रहनुमाओं की 4 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, असलम इकबाल समेत दीगर नामजद मुलजमान पेश हुए। मुल्क भर में सियासी बहरान के बाईस अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर बेलगाम इंटरबैंक में मजीद महंगा, 232 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा। मानसून का तीसरा स्पेल, कराची में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके जेरे आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 67.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मोरो म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बाईस मोरो के करमशाह मोहल्ला मलिक कॉलोनी आजाद कॉलोनी में बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों का जीना मुहाल, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस थाना मुस्तफाबाद की कामयाब कार्रवाई, अगवा होने वाले 2.5 माह के बच्चे को 6 घंटे में तलाश कर लिया। ASP सदर सर्कल कैप्टन रिटायर्ड असर जावेद मौका पर पहुंच गए। पाकिस्तान डायमंड जुबली गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह। टूर्नामेंट का इफ्तिताह सेक्रेटरी खेल इसाक जमाली ने फुटबॉल को किक लगाकर किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर एक्टिविटीज मोहम्मद आसिफ लांगू भी मौजूद थे। और DP ऑफिस लोधरा में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की फर्दन फर्दन शिकायत सुनी। शहरियों की दादरसी और शिकायत के हवाले से मौके पर मुनासिब अहकाम जारी किए गए। अदल व इंसाफ की फराहमी के लिए मुकदमात का इंदराज और तफ्तीश मेरिट पर की जाए। DPO अब्दुल रऊफ। पाकसर जमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। तू निशाने अजमे आली शान, अर्जे पाकिस्तान। मरकज यकीन शादबाद, पाक सर जमीन का निजाम। कुव्वत अखुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत, पाइंदा तबिंदाबाद। शादबाद मंजिल मुराद, परचम सितारों मिला। रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जमाने माजी शाने हाल। जाने इस्तकबाल, साया खुदाए जुल जलाल।